तो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.12 जिसके दो पार्ट है मैंने ऑलरेडी लिख रखा है जल्दी से मैं आपके लिए रीड कर देता हूं देखो क्वेश्चन कह रहा है कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेर दो कॉपर स्पेर है ए एन बी दे रखा है एंड हैव सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर यानी कि डिस्टेंस दे रखा है अपने फिफ्टी सेंटीमीटर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों पे सेम चार्ज इसका मतलब रिपल्सन कब होगा जब सेम चार्ज होगा तो दोनों पे रिपल्सन कितना लग रहा है इफ ईच ऑफ देम हैव चार्ज इतना दोनों पे चार्ज क्या है दोनों पे चार्ज सेम है जो कि 6.5 पॉइंट फाइव की पावर माइनस सेवन है द रेडियाई

दूसरा आपको चार्ज दे रखा कितना चार्ज इज गिवन सिक्स पॉइंट फाइव इंटर टेन की पावर माइनस सेवन यानी कि क्यू वन और क्यू टू दोनों ही बराबर है दोनों पे सेम चार्ज है दैट इज की माइनस सेवन कुलम का चार्ज है ऐसे दे रखा हमसे और पूछ रहे फोर्स कितना लगेगा तो यार बचपन से पढ़ते आ रहे बचपन से पढ़ते आ रहे इलेक्ट्रोसोटिक तो फोर्स का, का फॉर्मला क्या होता है इट वॉज के क्यू वन क्यू टू का मॉड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था कि नहीं था अब इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू तो के का के मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू की पावर 9 रटा होना चाहिए तो क्यू वन मतलब पहला चार्ज जो कि लिखेंगे हम 6.5 पॉइंट की पावर माइनस सेवन और क्यू टू मतलब भी दूसरा चार्ज जो कि सिक्स पॉइंट की पावर माइनस सेम चार्ज है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अब आर स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर फिफ्टी टू टेन की पावर माइनस टू इसका स्क्वायर करेंगे तो फिफ्टी इंटू की पावर माइनस टू का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं यहां पे अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दो देखो सबसे पहले ऊपर सॉल्व करूंगा तो सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव हो जाएगा और ये नाइन हो जाएगा तो इसको काटा पीटी मचाएंगे हम मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे तो नाइन इंटू में सिक्स पॉइंट फाइव रहने देते हैं इंटू में सिक्स पॉइंट फाइव रह देते हैं नंबर को आगे लिख दिया और पावर को सॉल्व कर दो माइनस फोर्टीन होगा माइनस फोर्टीन और ये प्लस नाइन कितना बचेगा माइनस फाइव माइनस फोर्टीन वैसे प्लस का नाइन गया तो माइनस फाइव बचेगा ना एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब क्या पचास का स्क्वायर पचास का स्क्वायर कितना होगा मैं जानबूझ के यहाँ पे पचास इंटू में पचास लिख रहा हूँ ताकि काटा पिटी मचाया जा सके इंटू में टेन की पावर ये देखो पावर मल्टीप्लाई होता है तो इट विल बी माइनस फोर अब इसको काटा पिटी मचा दो जल्दी से सॉल्व कर लो देखो फाइव जा काटेंगे तो ये टेन से जाएगा और ये जाएगा थर्टीन से यानी कि थ्री पॉइंट वन हो जाएगा इसको भी काटेंगे फाइव जा तो ये भी थ्री पॉइंट वन हो जाएगा और ये टेन जा आ जाएगा अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अब जो बचा उसको जल्दी से लिख देते हैं नाइन इंटू में वन पॉइंट थ्री इंटू में वन पॉइंट थ्री करोगे तो ये हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स नाइन आ जाएगा अपने पास और इंटू में टेन की पावर माइनस फाइव था और देखो ऊपर गया ये 5 था पहले वाला पहले वाला ये ऊपर जाएगा तो प्लस का फोर हो जाएगा और ये 10 की पावर टूर माइनस टू हो जाएगा सॉल्व करके लिख दो आपका आंसर निकल जाएगा आपका आंसर निकलेगा तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा आप इट विलउंडीन पॉइंट टू वन के अराउंड आएगा इंटू टेन की पावर देखो माइनस सेवन हो गया फोर बचा तो इंडायरेक्टलीफिका टू वन इंटू टेन की पावर माइनस टू न्यूटन भी आंसर हो सकता है ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो दोनों आंसर सही है तो भैया ए पार्ट तो आसान था जो कि इजिली सॉल्व हो गया हमको फोर्स निकालने के लिए बोला था और फोर्स तो हम बचपन से निकालते आ रहे, तो हमने निकाल दिया तो दूसरा पार्ट है इसमें अभी देखो दु, दूसरा पार्ट भी पूछ रहा है दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फेयर इज चार्ज डबल चार्ज क्या कर दिया दोनों का डबल कर दिया दोनों स्पेयर का ईच स्फेयर का चार्ज जो है वो डबल कर दिया दोनों स्पेयर का चार्ज जो है वो डबल कर दिया एंड द अव अमाउंट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ डिस्टेंस को आधा कर दिया और चार्ज को कर दिया डबल तो देखो तो तो इनडायरेक्टली अगर मैं इसी फोर्स में कहूं इसी फॉर्मूले में कहूं तो जो हमने फॉर्मुलर लगाया था वो हमारा कितना निकला इट वाज 5.1 सॉरी पावर माइनस टू न्यूटन निकला राइट right? इतनी वैल्यू हमारी इतनी निकल रही है तो अब इसके हिसाब से निकाल देंगे हम यहां पे आके बी पार्ट सॉल्व कर देते हैं देखो तो छोटा सा पार्ट है कुछ भी नहीं है आसानी समझ में आ जाएगा आपको हम बोलेंगे इस बार चार्ज को क्या किया गया Q1 को डबल कर दिया गया टू क्यू वन बना दिया गया फाइनल चार्ज q2 को कितना बना दिया गया 2q2 बना दिया गया इसको डैश लिख देता हूँ मैं ताकि आप सेम से ना मान लो और डिस्टेंस जो है r डिस्टेंस r डैश, वो अब पहले का आधा कर दिया गया तो अब फोर्स निकालेंगे कितना निकलेगा फोर्स इक्वल टू K Q1 मतलब आप लिखेंगे 2Q1, Q2 मतलब लिखेंगे 2Q2 क्यू टू एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब R बाई टू का होल स्क्वायर लिखा जाएगा इसी को देखोगे तो आप ये 2 इंटू में टू कितना हो जाएगा 4 तो ये 4K1, 4K Q1 आएगा यहां पे Q1, वन क्यू टू डिवाइडेड बाई ये R का स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा क्या

क्या मैं इसको रिप्लेस करके इसके बराबर लिख सकता हूं तो यहां पर इसको हटा के लिखेंगे हटाकर माइनस टू इसको मल्टीप्लाई कर दो आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा न्यूटन में आंसर निकल गया तो गांव <coughs> तो गांव वालों ये एक आसान सा न्यूमेरिकल ही था न्यूमेरिकल था बस समझने वाले दे रहे और बच्चों को कैलकुलेशन आना चाहिए इजली समझ में आ जाता है तो हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हुआ 1.12 अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे 1.13 जो कि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है तो वन को करने के लिए आपको वन पता होना चाहिए तो आई होप कि आपको ये इजली समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत बार ये फोर्स के फॉर्म लेकर रखे हैं और अगर आपको समझ में आ गया इजली तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वन के साथ